हाय गाइस, वेलकम टू स्टॉक बुलेटिन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टॉक का जो कि रेलवे सेक्टर से है और उसने 1 ईयर में रिटर्न दिया है विच इज़ अराउंड 70%। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं जो स्टॉक का नाम है वो मैं बताना चाहूँगा। स्टॉक का नाम है टीटागढ़ वैगन। ठीक है, ये जो स्टॉक है ये एक रेलवे कार मेकर है बेसिकली। ठीक है, ये जो रेलवे का जो कंपोनेंट होता है, ठीक है ना, जो ट्रेन का कंपोनेंट होता है कंपार्टमेंट, उसको ये मैन्युफैक्चर करती है बेसिकली। तो हम लोग इस स्टॉक को देख सकते हैं। इस स्टॉक का जो टेक्निकल अभी लाइक 12 जुलाई को इसने अपना हाई लगाया था विच इज़ अराउंड 52 वीक हाई जो है 127 का गाइस। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसमें लाइक पोजिशन के लिए देख सकते हैं बेसिकली। ठीक है ना, और अभी ये स्टॉक में अच्छा खासा एक मोमेंटम है, एक अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है इस स्टॉक में। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं बेसिकली इस स्टॉक के बारे में, आप अगर देखोगे ये स्टॉक जो है अच्छा खासा एक सपोर्ट लेकर 90 रुपीज़ के लेवल पे लाइक सपोर्ट लेकर ये अभी अपनी 52 वीक हाई पे है। ठीक है, अभी आप देखोगे ये स्टॉक अच्छा है, बट लाइक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ये स्टॉक सजेशन हम लोग सजेस्ट नहीं कर सकते बेसिकली। ठीक है, अभी भी आप अगर ट्रेंड देखोगे टेक्निकल के व्यू से देखोगे तो ट्रेंड बोल रहा है ये स्टॉक में क्या बायर इंटरेस्ट अभी भी है। ठीक है, क्योंकि वीकली जो कैंडल है वो बुलिश हो रहा है, बुलिश कैंडल है। ठीक है, और रेंज ब्रेकआउट का एक चांसेस है। तो बेसिकली ये स्टॉक अभी तक मीन्स इस ईयर में 70% रिटर्न बना के दे चुका है। इस ईयर इन द सेंस कि मैं पूरे 1 ईयर की बात कर रहा हूँ, तो अगर आप लाइक 1 ईयर बोले तो मतलब लास्ट ईयर जुलाई से लेकर अभी तक का। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका फंडामेंटल देखें या हम लोग इसका टेक्निकल देखें, तो पहले हम लोग टेक्निकल देखते कैसा है टेक्निकल। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे स्टॉक अपने 200 डेज की ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, और अच्छा खासा मोमेंटम में है स्टॉक। अभी आप देखेंगे तो एक स्टॉक ने यहाँ पे अपना 85 पे अराउंड एक सपोर्ट बनाकर वहाँ पे से ये फिर से बाउंस बैक किया, और बाउंस बैक करके आज ये ट्रेड जो कर रहा है अराउंड 123 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अभी स्टॉक अच्छा खासा एक अप मूव दे चुका है इस ईयर में। तो लाइक फॉर शॉर्ट टर्म बायर, क्योंकि अभी भी लाइक इसमें मोमेंटम कंटिन्यू है, तो जो शॉर्ट टर्म बायर है वो इसे देख सकते हैं बेस्ड ऑन द मोमेंट। अभी अगर ये जो ये लाइन है ये आप देखेंगे, ये अगर ये ब्रेकआउट करता है बेसिकली, ठीक है ना, अगर ये ब्रेकआउट करता है, इसने कोशिश की थी बस सस्टेन नहीं कर पाया, अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आप एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम को प्ले करने के लिए अपना पोजीशन बना सकते हैं, क्योंकि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है क्योंकि वो अपनी 200 डे के ईएमए के ऊपर है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें ये देखेंगे वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा जनरेट हो रहा है और ये स्टॉक अच्छा खासा एक रिटर्न दिया है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो बेसिकली आप स्टॉक को देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में फंसा था, बट जैसे उसने एक रेंज तोड़ा और वो कंटिन्यूस अपने अप ट्रेंड को चल रहा है। ठीक है, अच्छा खासा रिटर्न दिया है इसने एक शॉर्ट टर्म में। अभी हम लोग अगर इसका फंडामेंटल देखेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोग को कि फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं है कंपनी के। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप ना देखिए इस स्टॉक को, आप शॉर्ट टर्म प्ले कर सकते हैं इसमें। तो अगर आप फंडामेंटल देखते हैं तो इसने रिटर्न बनाया है आपका 1 डे का 0.69% गाइस, एंड देन 1 वीक में इसने रिटर्न दिया 5.65%, और 1 मंथ का रिटर्न आप देखेंगे तो अराउंड 14% रिटर्न है। 1 ईयर का रिटर्न देखेंगे गाइस तो 68.95% रिटर्न है, एंड देन 5 ईयर्स में रिटर्न देखेंगे तो ये 6% रिटर्न है। ठीक है, मैक्सिमम जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है तब से इसने कुछ खास रिटर्न नहीं बना कर दिया, माइनस में आपको दिया रिटर्न बेसिकली। अगर आप 100 रुपीज़ लगाते हैं उसमें ये स्टॉक में, तो आपको मीन्स आपका अभी 100 रुपीज़ नहीं रहता और वो रहता अराउंड 88 रुपीज़। ठीक है, तो ये स्टॉक जैसे कि मैंने बताया आपको लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा नहीं है, बट शॉर्ट टर्म प्ले में आप देख सकते हो। अब हम लोग अगर फोरकास्ट देखते हैं तो एनालिस्ट जो है इसमें एक ही एनालिस्ट ने इसको कवर किया है और वो बोल रहे हैं बाय करने को। ठीक है, अभी हम लोग अगर देखते हैं इसका इनकम, इनकम देखिएगा तो स्टेबल नहीं रहता इसका, जो मैंने ये किया है मार्कआउट किया, क्योंकि अगर आप इनकम देखेंगे तो देखिए आप लाइक 2016 को देखें फिर 2017 को देखें, तो अच्छा खासा एक अप मूव दिया था उसके बाद, मीन्स वहाँ पे से अच्छा खासा इंक्रीमेंट हुआ था टोटल रेवेन्यू में, फिर उसके रेवेन्यू में ये हो गया कम हो गया। तो बेसिकली आप जो इनकम है ये कंपनी का स्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए ये सजेस्ट नहीं कर सकते हम लोग, बट बेसिकली ये स्टॉक एक अच्छे अप मूव है शॉर्ट टर्म के लिए। आप अगर नेट इनकम भी देखेंगे तो वो भी माइनस में दिखा रहा है, मतलब कंपनी लॉस में है बेसिकली। ठीक है, बट अभी जो आने वाला क्वार्टर है वो एक्सपेक्टेड ये है कि अच्छा खासा एक मतलब रिजल्ट अच्छा आने वाला है, इसकी वजह से ये स्टॉक इतने दिन से चल रहा है। ठीक है, और अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे रहा है अपने शेयर होल्डर को। अगर आप इसका पी देखेंगे तो लाइक पी हम लोग देख ही नहीं सकते क्योंकि बेसिकली माइनस में, मतलब ये प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रहा कंपनी। ठीक है ना, तो अभी आप होल्डिंग देखेंगे इसका, तो होल्डिंग है प्रमोटर होल्डिंग है 47% का, जिसमें कुछ भी कोई भी शेयर गिर भी नहीं है, और म्यूचुअल फंड जो होल्डिंग पकड़े हैं इस पर रखे हैं उन्होंने, उन लोग ने अराउंड 7.5% का उनका होल्डिंग है। अदर DII जो है 0.30% है। ठीक है, और उसके बाद FII जो है वो 4.85% है, और आप यहाँ पे अगर देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर, तो रिटेल इन्वेस्टर में अच्छे खासे बने हुए हैं। ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर का जो होल्डिंग है अराउंड 25% है, अदर्स पार्टी का होल्डिंग जो है वो 15% है। ठीक है, तो जैसे कि हम हमेशा सजेस्ट करते हैं गाइस, तो लाइक अगर कोई इसमें ये लेना चाहता है, पोजिशन लेना चाहता है गाइस, तो वो पोजिशन बना सकता है, बट ब्रेकआउट का वेट करें गाइस, एंड लाइक ब्रेकआउट अगर होता है तो आप पोजिशन जरूर बनाए इसमें, और एक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है आपको,
ठीक है। और दूसरी चीज़, आप अगर पोजीशन बनाते हो तो स्टॉप लॉस लगा कर ही बनाना, अदरवाइज आपको अगर स्टॉक फिर से अगर नीचे जाएगा तो आपको नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। प्लीज़ काइंडली डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।